बिटिया की शादी का ख्याल न जाने कब से मेरे मन में था, और देखो आज वो दिन आ गया। जो बेटी आज तक हमारी थी, कल से अब तुम्हारी हो जाएगी, और तुम्हारा बिजनेस भी। सच्ची तो है, जो कुछ नूपुर का है अब वो कार्तिक का भी है, और मेरा इंडिया में बैंक खोलने का सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या के भी, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता, तुम साथ देगा तो दोनों साथ में ये शिखर तक पहुंच जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं केके। तो इसी बात पर एक एक ड्रिंक हो जाए। नहीं, तुम जानते मैं पीता नहीं। अरे हम पी थोड़ी रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। अगर मैं बहक गया तो संभाल लोगे? बिल्कुल, अभी तुम केके का समधी है, केके तुमको हमेशा संभालेगा। ऑल राइट, सेलिब्रेट करेगा। तो केके खुद ड्रिंक बना के लाएगा। अरे आज तो मेरी बड़ी तारीफ हो रही थी, पर इसमें झूठ तो कुछ भी नहीं है। अब तुम वो ही तारीफ के काबिल तो हो। आप कुछ लेंगे? थैंक यू, आई जस्ट कम। इसकी क्या प्रॉब्लम है? जब तुम्हें नहीं पीनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? छोड़ो ना, वैसे भी कल बेचारे का दिल टूटने वाला है। तब? मतलब अप्पा को लगता है कि मैं और वेदांत एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बस अप्पा ने मुझे इस बारे में सोचने के लिए कहा। तुम उसे पसंद करती हो? क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो सिद्धार्थ? ड्रिंक नहीं तो जूस तो पी सकती हैं। थैंक यू। पार्टी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है केके। अरे बैठो बैठो, एंजॉय। तो हमारा ड्रिंक कौन बनाएगा? बुला और दुल्हन का फादर्स के लिए। हम बना देते हैं केके सर। अनुष्का, अप्पा तुम्हारा जवाब का वेट करता। अप्पा बस कल शाम को कार्तिक की शादी से पहले आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो ड्रिंक्स हम ले चले? अरे नहीं, बैठो एंजॉय। धीरे धीरे मिस्टर बिहारी, बस कल शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल तक वेट करने की क्या जरूरत है? हम आज ही बात कर लेते हैं। अरे केके सर, सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। कंट्रोल करने के लिए कहा था मैंने, लेकिन नहीं, अब पीने के बाद जो उसके अंदर का बिहारी बाहर आ जाता है ना, उससे तो मुझे भी डर लगता है। बोलो। सुबह का बाद अभी भी तुम्हारा अंदर कुछ बुला रहा है। ये तो जगह भी गलत है और टाइमिंग भी, यानी क्या होने वाला है? बोलो क्या बोलना है? सर हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगो, लेकिन आज नहीं। आज नूपुर का पिताजी केके का अंदर वेट करता। कल, कल कार्तिक का शादी है, बहुत अच्छा दिन है, जो मांगेगा मिलेगा। प्रॉमिस? कैसा बात करता है सिद्धांत,
तुम प्रभाकर का बेटा है, कुछ भी मांग सकता है। क्या क्या प्रॉमिस करता। इधर तुम बाहर गए, उधर राउ ड्रिंक्स लेकर आ गए। मैं सोच रहा हूं इनको पता कैसे चला। क्या ही तो बात है, राव को कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, ये केके का मन का बात जानता। कल शाम का वेडिंग एकदम सिंपल, ओनली फैमिली। फिर डे आफ्टर परसों ग्रैंड रिसेप्शन, पूरा इंडिया से लोग आएगा। क्योंकि मुझे भी तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना। तुम राव का सामने कुछ भी बोल सकता, ये 12 साल का था तब से केके का साथ है। बोलो। अच्छा हाँ चलो चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रो। मैं भी चलती, मेरी कल शादी है। चलो अनु तुम भी जाओ, मैं और सिद्धांत एक ड्रिंक पी के निकलेंगे, लास्ट ड्रिंक। ये लास्ट लास्ट के चक्कर में ना तुम लोग बहुत लेट कर देते हो। तेरी भी तो शादी है कल और लोगों को बहुत काम है, सिद्धांत को भी तो इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। शादी मेरी है, सिद्धांत को क्या इम्पोर्टेंट काम होगा, बोल रहा हूँ ना लास्ट ड्रिंक, उसके बाद हम दोनों निकल जाएंगे पक्का। क्या हुआ? क्या हुआ सिद्धांत? नहीं वो लगता है वो बड़ी लाल वाली चींटी ने काट लिया। ध्यान रखो यार, ओपन एरिया है। लास्ट टाइम बोल रहे हो, मत ड्रिंक करो। तो अभी तक गई नहीं, बोला ना आखिरी ड्रिंक पी के चले जाएंगे, जा ना। हाँ तुम गई नहीं, जाओ ना। मैं नहीं पता क्यों नहीं गई मैं। नहीं छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें कार्तिक को बता दूंगी। तो बता दो, जब हम तुम्हारे अप्पा से नहीं डरते हैं, कार्तिक का क्या है? कार्तिक क्या हुआ, बोल बोल ना। कुछ नहीं बस, गुड नाइट बोलना। गुड नाइट। गुड नाइट सिद्धांत। गुड नाइट। थोड़ा अलग हटकर बात करें। चलो तो पूछो क्या पूछना चाहते हो। हम सीधे सीधे पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि जवाब भी सीधे सीधे ही मिलेगा। गोयल प्लेन क्रैश में हमारा कोई हाथ है क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये सवाल है। माना हमारे अप्पा थोड़े अमीर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बिजनेस डील लेने के लिए हम इतने सारे मासूम और बेगुनाह लोगों की जान लें। सिद्धांत हम बिजनेसमैन है, क्रिमिनल नहीं यार। तो तुम ये सब इतना चुप चुप के क्यों कर रहे हो, इसमें छुपाने की क्या बात है? पता है सिद्धांत, तुम में और मुझ में एक बात से, तुम हमेशा से अपने पिताश्री की नजरों में उठना चाहते थे राइट, उसी तरह मैं भी हमेशा से अपने अप्पा को इम्प्रेस करना चाहता था और अभी भी चाहता हूं। और मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि इस कोल माइंस में मेरे अप्पा काम करते थे खुद, इसलिए मैंने इसे खरीदा, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, पैसे खिलाए, पॉलिटिशियन से बात की, अपने सारे सोर्सेस लगा दिए, और आखिरी में कल ये माइंस मेरी होगी।
और मैं इसे अपने अप्पा को गिफ्ट करूंगा। तब उन्हें शायद फील होगा कि उनका बेटा खुद कुछ कर सकता है। हमारी इस फीलिंग की हम कदर करते हैं कार्तिक, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। ये सब छुपाने की क्या जरूरत है? के सर थोड़ी ना हर चीज में छोटी छोटी चीजों में घुसते हैं। अप्पा, अप्पा नहीं, अप्पा तो ये सब बातें देखते भी नहीं है, लेकिन राव, अगर ये बात राव को पता चल जाती ना, तो फिर अप्पा को भी पता चल जाती और शायद फिर वो हमें ये डील ही नहीं करने देते। इसलिए राव, मतलब राव जी जो हमेशा चुपचाप रहने वाले राव जी, वो तुम्हारे घर में काम करते हैं यार। अगर तुम राव के बारे में ऐसा सोचते हो ना, तो तुम राव को ठीक से जानते ही नहीं। तुम्हें पता है सिद्धांत, जो लोग राव को जानते हैं वो राव से डरते हैं। राव जी से डरते हैं? राव अप्पा का साया है, वो बास की तरह चुपचाप मंडराता रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता रहता है। लेकिन अप्पा पे कोई भी खतरा आए, उससे पहले ही उस खतरे को खत्म कर देता है। वो अप्पा के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। सिद्धांत, तुम्हें क्या लगता है, जो इंसान मिनिस्टर को थप्पड़ मार सकता है वो रेड्डी परिवार का सिर्फ नौकर होगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो ना सिद्धांत, तो तुम बहुत गलत सोचते हो। राव सिर्फ अप्पा की बात सुनता है और थोड़ी बहुत तुम्हारे पिताश्री की सुनता था, मेरी तो नहीं सुनता, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। वो रेड्डी कॉर्पोरेशन की 25 साल वाली बुक याद है तुम्हें? या वो फाइनल हो चुकी थी, पूरे फैमिली मेंबर्स ने उसको अप्रूवल भी दे दिया था, लेकिन राव को लगा कि उसे एक बार प्रभाकर जी को देखनी चाहिए। मैं बुक लेके पब्लिकेशन के लिए जा ही रहा था, पर राव ने मुझसे बुक ले ली और हमारे पापा के पास चला गया। राव के लिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं है यार, मेरे अप्पा के सामने, यानी मेरे अप्पा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरे मुझे चलना चाहिए यार, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, कल मेरी शादी है, आई शुड गेट सम स्लीप। पर सिद्धांत, हमारे बीच की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ सरप्राइज टू माय डैड। ठीक है, चल, ठीक है, गुड नाइट। मैं बुक लेके पब्लिकेशन के लिए जा ही रहा था, पर राव ने मुझसे बुक ले ली और हमारे पापा के पास चला गया। सिद्धांत, हाय अभय, क्या हाल है यार? यार इतनी रात को तूने हाल पूछने के लिए फोन किया है? लैब में हूँ, नाइट ड्यूटी है यार, हमें कुछ काम था। हमारे पास एक किताब है
जिसके कुछ पेजेस में होल्स हो गए हैं, पर बाकी सब पेजेस ठीक हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा ये होल्स हुए क्यों हैं। क्या तू कुछ फॉरेंसिक टेस्ट कर सकता है इसके? कौन सी एजेंसी का केस है? यार कोई एजेंसी नहीं है, ये हमारा पर्सनल केस है। अबे पर्सनल नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी यार। प्लीज यार, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम तुझे फोन नहीं करते, प्लीज। चल ठीक है, भेज दे सुबह। थैंक यू। इतनी गर्मी में तुझे ये लहंगा पहनने की क्या सूझी? सूट पहन लेती। अनुष्का भी तो पहन रही है माँ, तो हमारा भी मन करता है। और वैसे भी लहंगा डालने को मिलता ही कहाँ है। सही में आंटी, सब बहुत अच्छे लगेंगे लहंगे में। अच्छा तो लग रहा है। चलिए मैं रेडी हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आंटी। प्यारी नहीं माँ, हॉट लग रही है। आजकल ऐसी तारीफ करते हैं माँ। अच्छा तो बहुत हॉट लग रही हो। अरे अरे, आज बहुत प्यार आ रहा है माँ। प्यार आ नहीं रहा है, उमड़ रहा है। वो भाई की शादी है ना, तो चारों ओर प्यार बिखरा पड़ा है। वो तो लड़की के मन में भी प्यार भर आया है ना अनुष्का? भाभी कुछ भी। अच्छा चले मॉम से मिलने एक बार। हाँ चलते हैं आंटी, हम लोग चलते हैं। ठीक ठीक है। आज अनुष्का को देख के तो ऐसी फील आ रही है जैसे इसी की शादी हो। सिद्धांत अपा से बात कर पाएगा ना? क्यों नहीं कर पाएगा, कल तो वो सबके सामने करने ही वाला था, अब थे तो वहां पे। अब देखना गलत साबित कर देगा आपको। क्या हुआ भाभी, आप कुछ सोच रहे हो? नहीं, बस मन में एक सवाल सा उठ रहा है। कैसा सवाल? अगर अपा ने मना कर दिया तो? उन्होंने उस दिन कहा था ना कि कोई भी लॉयर मेरा सन इन लॉ नहीं बन सकता कभी भी। हाउ अबाउट दिस वन, इंग्लैंड में बड़ा लॉयर है। लायर केके का ऑफिस में काम करता है, बड़ा छोटा जैसा भी हो लायर लायर है। और अनुष्का लायर के साथ शादी नहीं करेगा। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उस दिन तो उन्हें पता नहीं था कि वो लॉयर सिद्धांत है। और बात ये भी तो है ना कि उनकी बेटी उससे प्यार करती है। बात तो अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं ना। और मैं भी तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। चले क्या हुआ, कुछ पता चला? सिद्धांत सुबह से तेरा पांचवा कॉल है। मुझे टाइम तो दे, केमिकल रिएक्शन होने में टाइम लगता है। जैसे ही मैं किसी रिजल्ट पे पहुंचता हूँ मैं तेरे को कॉल करता हूँ। तुम राव को ठीक से जानते ही नहीं, तुम्हें पता है सिद्धांत? जो लोग राव को जानते हैं राव से डरते। राव अप्पा का साया है, वो बास की तरह चुपचाप मंडराता रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता रहता है। लेकिन अप्पा पे कोई भी खतरा आए उससे पहले ही उस खतरे को खत्म कर देता है। अप्पा? हाँ, आज तो केके का डॉटर एकदम ब्यूटीफुल दिखता, प्रिंसेस जैसा। थैंक यू अप्पा। अप्पा आज तो आप बहुत खुश होंगे ना? बहुत से भी ज्यादा खुश। तो फिर आज मैं आपसे कुछ भी मांगूंगी तो आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं करेगा, मांगो। आज नहीं, पर हाँ जब भी मैं आपसे कुछ मांगू तो आप अपना प्रॉमिस याद रखना। केके अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता, और तुम केके का डॉक्टर
क्योंकि तुमको जो भी बोलेगा पक्का करेगा। हमारा ये मॉरल इस स्माइल के लिए क्योंकि कुछ भी कर सकता। अप्पा मैं सिद्धांत को हाय बोलकर आती हूँ। हाँ। अनुष्का तुम्हें नीता आंटी बुला रही है फिर से। आज तो सब डॉटर लहंगा पहना, ऐसा लगता है जैसा केके के घर ये सारा अप्सरा उतर आया। थैंक यू सो मच अंकल। जा चलती हूँ। आओ क्या हुआ, डर क्यों गया? नहीं कुछ नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हमने क्या बोला था घर से निकलने से पहले फोन करना? कहा था कि नहीं? हम क्या भूल गए? मंदिर में कुछ की अंगूठियां रखी हैं, वो लानी थी। कहा था ना जा जा कर लेकर आ। किसी और से मंगवा लो ना। अरे हमारा घर है, कौन सी चीज कहाँ रखी किसी और को कैसे पता चलेगा? तुझे जाना पड़ेगा, जा लेकर आ। अभी हम नहीं जाएंगे। देख तेरे कहने से हमने ये शादी की जिम्मेदारी ली थी, अब तू पीछे नहीं हट सकता। जा लेकर आ, अभी हम वेट कर रहे हैं। हाँ बे, ये क्या केस ले लिया तूने जिसके इतने इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? क्यों कुछ पता चला? हाँ तेरी बात सही है, किताब के चार पेज हैं जो सड़े हुए हैं, जिनमें होल हो रखा है। जिसने भी ये किताब पढ़ी है उसने लास्ट के चार पेज बार बार पढ़े हैं। तो ये होल्स कैसे हुए? होने को ये होल हमारे सलाइवा से भी हो सकता है जिसे हम थूक कहते हैं, क्योंकि हमारे थूक का नेचर भी एसिडिक होता है। अगर ये थूक पेपर पे रह जाए तो इससे होल हो सकते हैं। वैसे किताब है कितनी पुरानी? 2-3 साल? अरे नहीं, हाल में ही तो मिली है, कुछ 1.5-2 महीने। फिर तो कुछ भी कहना मुश्किल है यार। तो फिर और क्या कारण हो सकते हैं होल का? होल्स कैसे भी हो सकते हैं, नमक से हो सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं, पॉइजन से हो सकते हैं। पॉइजन? हाँ बेसिकली किसी भी एसिड से हो सकता है, और पॉइजन में भी तो एसिड होता है ना। तो बुक में कोई पॉइजन के निशान भी है क्या? नहीं, यही तो कमाल की बात है। होल कैसे भी हुए हो, उसके ट्रेजेस उसके निशान तो होने चाहिए, पर इस किताब के होल में ऐसा कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। तो फिर? एक बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी? कि ये होल्स किसी खास किसी रेयर किस्म के पॉइजन से बने हो, ऐसा पॉइजन जो अपने निशान भी नहीं छोड़ता। ऐसे पॉइजन भी होते हैं जो कोई निशान नहीं छोड़ते? बिल्कुल, पर ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। मिलिट्री और आर्मी के पास ही अवेलेबल होगा उनके रिसर्च के लिए। इसके लिए हमें जनेवा साइंस लैब जाना पड़ेगा, और आम आदमी तो क्या, ये गवर्नमेंट को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये पॉइजन उन्हीं को मिलता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और कनेक्टेड हो। यार और कोई हाई लेवल का टेस्ट नहीं कर सकते जिससे कि ये यकीन हो जाए कि बहुत रेयर किस्म का पॉइजन है? मैं सारे टेस्ट कर चुका हूँ, कोई ट्रेस नहीं मिला मुझे, पर मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। थैंक्स अबे यार, तुमने बहुत मदद की है मेरी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.